What is up YouTube? तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ एक होम वर्कआउट के लिए. यूजली आई डोंट लाइक होम वर्कआउट्स बट आई एम सॉरी शी नीड्स टू बी इन द वीडियो बिकॉज वो मेरे पैर को काट रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स अटेंशन सो शी इज गोना बी पार्ट ऑफ द वीडियो. सो मैं होम वर्कआउट में इतना बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि बोरिंग हो जाते हैं. आप दो तीन दिन चार दिन करोगे एंड उसके बाद आप छोड़ दोगे, स्पेशली अगर आपके पास बैंड्स नहीं है, डंबल्स नहीं है, वो सब. तो दैट्स व्हाई मैं ये चीज से पोस्ट नहीं करता क्योंकि मैं मिसलीड नहीं करना चाहता ये बोल के कि ओ आप मेरी तरह होम वर्कआउट करो, आप मेरी तरह बॉडी बना सकते हो या मसल रिटेन कर सकते हो. नो, यू डोंट रियली नीड उस तरीके के वर्कआउट. जैसे सिर्फ पुशअप्स करोगे आप या सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, यू कांट रियली, दैट वोंट रियली हेल्प एनीथिंग. बट आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रखेगा, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी रहेगी, यू कैन स्टे लीन. बट वो तो आप कार्डियो करके भी कर सकते हो, विच इज वे मोर इंटरेस्टिंग अगर आप बाहर जा सकते हो, घर में आपके ट्रेडमिल या बाइक है. तो वी वोंट कवर एनी ऑफ दैट, लेट्स गो बैक टू द कोर विच इज द ट्रेनिंग कोर विच इज ट्रेनिंग एप्स. तो एप्स मैं एवरी अदर डे ट्रेन करता हूँ एज सून एज आई एम 8-9 weeks आउट. जब मैंने पहली बार शुरू करी थी बॉडी बिल्डिंग और जब मैंने पहला कट किया था 2013 में 2012 में, एंड जैसे जैसे मैं अच्छा बेटर होता रहा, मैंने काफ़ी सारी अप्रोचेस मैंने टेस्ट करी थी उस टाइम पे. एक अप्रोच मैंने करी थी कि एवरी डे ट्रेनिंग एप्स, एक थी फैसेड एप्स ट्रेनिंग, फिर एक थी कि वर्कआउट के बाद एप ट्रेनिंग, एवरी डे, एवरी अदर डे, टू टाइम्स अ वीक ट्रेनिंग, नो एप्स ट्रेनिंग एट ऑल. मैंने एक शो किया था 2018 का, जो मैंने विनकूवर प्रो किया था टॉप 5 जिसमें मेरी रैंकिंग आई थी, उसमें मैंने एक भी दिन एप्स ट्रेन नहीं करी थी. आई यूज्ड टू ट्रेन आई थिंक वंस अ वीक, जो मेरा रेस्ट डे था वो भी कभी कभी. तो एक मैं अप्रोच टेस्ट करना चाहता था और इतना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इट डज मेक अ डिफरेंस इन कि आपकी एप्स कितनी सेपरेटेड रहती हैं. आपकी जो एप्स बिल्डअप होती है वो आपकी इनिशियल ईयर्स में होती हैं, जब आप कंपाउंड लिफ्ट करते हो जैसे डेड लिफ्ट, बारबेल रोज, आपकी स्क्वाट, एनीथिंग दैट यूजेस योर कोर, आप उससे आपकी एब्स ट्रेन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो भी जेनेटिकली जैसी एब्स हैं, 4-pack, 6-pack, 8-pack, थिक एब्स, थिन एब्स, कर्वी एब्स, मेरी कर्वी एब्स हैं, व्हाटएवर इट इज, जेनेटिक, सो दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस. बट आपकी कितनी आपकी सेपरेटेड रहती है, जब आप लीन हो जाओगे 6%, 7%, 8% बॉडी फैट पे, तब बहुत फर्क पड़ता है. तो यूजली रेगुलर लोगों को तो दो से तीन बार हफ्ते में इज मोर देन इनफ फॉर ट्रेनिंग एप्स. बट अभी हम ऐसे टाइम पे हैं जो हम सब घर पे हैं, तो यू नो वॉट, आपकी कंपाउंड एक्सरसाइजेस हो नहीं रही, मोस्ट पीपल कैन नॉट डू स्क्वाट्स, मोस्ट पीपल कैन नॉट डू डेड लिफ्ट्स, वो सब चीजें नहीं कर सकते. तो अभी अच्छा टाइम है टू ट्रेन योर कोर मोर, क्योंकि कोर काफी जल्दी रिकवर करता है बिकॉज आप पूरे दिन उसको यूज करते हो, छोटी मसल ग्रुप है. तो आप इसको या तो एवरी डे ट्रेन कर सकते हो या एवरी अदर ट्रेन कर सकते हो. ये जो एक वर्कआउट मैंने डाला है ये मैं अपने प्रेप पे यूज करता हूँ. 6 exercises हैं, किसी के लिए भी कोई भी वेट की जरूरत नहीं है. एंड दो तरीके हैं करने के. पहला तरीका ये है, आप सारी एक्सरसाइजेस को 3-4 sets आप करो अप टू फेलियर एंड 30 seconds रेस्ट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेग रेजेस कर रहे हो, फ्लोर लेग रेजेस जो मैं एक्सरसाइज दिखाऊंगा, अगर आपने पहले सेट में 50 reps करे हैं तो सेकेंड आप 30 seconds रेस्ट हो गए, उसके बाद सेकेंड सेट करोगे आप, हो सकता है आपके 45 reps ही हो पाए. जब तक आप फोर्थ सेट पे पहुंचोगे यू मोस्ट लाइकली शुड बी एबल टू डू 30-35, क्योंकि आप रेस्ट कम दे रहे हो तो आपकी मसल फैटिग जल्दी हो रही है, विच इज रियली गुड जब आपके पास वेट नहीं है और आपका बॉडी वेट है, क्योंकि आप कम रेस्ट देके मसल को जल्दी फैटिग कर रहे हो. सेम चीज होती है अगर आप अपना वेट बढ़ाते हो किसी भी एक्सरसाइज के लिए. सो इट्स अ रियली गुड वे, और इससे आपको टोटल आपका वर्कआउट एटलीस्ट अराउंड 15-20 minutes में हो जाना चाहिए. तो अगर आपके रेजिस्टेंस बैंड्स हैं या थोड़े बहुत बारबेल या डंबल्स हैं घर पे, या आप कार्डियो कर रहे हो रोज, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ जो लोग भी घर पे हैं, एटलीस्ट डू स्टेयर्स. लोगों के घर में स्टेयर्स होती हैं, 20 मिनट आप ऊपर नीचे स्टेयर्स पे करो, दैट्स इनफ टू कीप यू लीन, टू गेट योर मेटाबॉलिज्म अप एंड फॉर अदर बेनिफिट्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ. तो वो करो आप 20 मिनट स्टेयर्स अप एंड डाउन, और गो फॉर अ जॉग अगर आप लॉकडाउन में नहीं हो. जैसे यहाँ पे हमारा लॉकडाउन नहीं है अभी, जहाँ मैं रहता हूँ कैलगरी में, इट्स हम लोग बाहर जा सकते हैं बट नॉट इन ग्रुप्स. तो आप बाहर जॉब पे जा सकते हो, वो 20 मिनट करो, उसके बाद आप ये होम वर्कआउट कार्डियो का कर लो, सॉरी कोर का कर लो. और आपके अगर रेजिस्टेंस बैंड्स हैं या डंबल्स हैं या कुछ भी है, तो आप एवरी अदर डे एक दिन कोर वर्कआउट करो कार्डियो के बाद, और एक दिन अपना फुल बॉडी, आपको जो सर्किट ट्रेनिंग होती है काफी वीडियोस हैं उसके ऊपर, मैं भी एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर सिर्फ बैंड्स के साथ फुल बॉडी सर्किट ट्रेनिंग पे. तो आप वो करो, तो ये 40-45 minutes पर डे अगर आप कर रहे हो, दैट्स मोर देन इनफ एक्टिविटी फॉर, इट वॉन्ट हेल्प यू गेट बिगर, बट आपकी हेल्थ के लिए
इट्स गुड आपके माइंड सेट के लिए. व्हेन यू वर्कआउट एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपको ओवरऑल फील बेटर करते हैं. तो फॉर ऑल ऑफ दैट बेनिफिट्स दिस इज रियली गुड. तो दैट्स व्हाट इट इज. और दूसरी चीज जो मैं आप ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रीदिंग. तो जब आप किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे अगर आप क्रंचेस कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ब्रीद आउट ब्रीद इन. सो अगर आप मेरे क्रंचेस वाली वीडियो देखोगे जो मैं अभी डालूंगा, उसमें मैं फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर रहा क्योंकि मेरी एब्स इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और मैं इतनी अच्छी ब्रीदिंग पर अपनी फोकस कर रहा हूँ दैट माई मसल्स आर गेटिंग फैटिग वेरी फास्ट. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मसल को फील करना सिर्फ ऐसे क्रंचेस अगर ये पेस पे मैं करता रहूंगा, इट्स नॉट रियली डूइंग एनीथिंग. स्लो कंट्रोल एंड ब्रीदिंग पे बहुत फोकस. ब्रीद आउट कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन. तो इससे आपकी मसल्स रियली ट्रेन होंगी, स्पेशली एब्स. तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. एंड ये एक्सरसाइजेस जो है ये मैं काफी साल से 2013-2014 से मैंने ये एक्सरसाइज करनी शुरू करी थी. सारी एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ एब्स की जितनी भी होती है, बट दीज आर माई फेवरेट. इसके अलावा जो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है वो है केबल क्रंचेस, जो ऑब्वियसली आप घर पे तो कर नहीं सकते, और हैंगिंग लेग रेजेस. सिर्फ वो दो एक्सरसाइजेस है जो मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो इसके अलावा मैं कोई ऐप एक्सरसाइज नहीं करता हूँ. और इस साल अगर मेरी प्रेप होगी, जब भी शो होगा, आई एम गोना डू एवरी अदर डे ऐप ट्रेनिंग, क्योंकि जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है आई फील माई एब्स लुक द बेस्ट. सो 2016 में और लास्ट ईयर फॉर बैटल ऑफ डेजर्ट एंड वैंकूवर. सो उन प्रेप्स के दौरान पे मैंने एवरी अदर ट्रे अपनी ऐप्स ट्रेन करी थी फास्टेड. तो तब आपके पेट में कोई भी आपने खाना नहीं खाया होता, तब आप ऐप्स ज्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. दैट्स वाई. तो आई एम गोना डू दैट. सो आई होप कि आपको इससे कुछ पता चलेगा. अगर आपको फास्ट कार्डियो पसंद है, यू कैन स्टिल डू फास्ट कार्डियो. फास्ट कार्डियो के बाद आप ये वर्कआउट कर सकते हो. अगर आपको वो नहीं चीज है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू विल स्टिल भी आपको उतना ही फायदा होगा जितना फास्ट में होगा. मुझे बस थोड़ा सा ज्यादा वो पसंद है, नॉट कि कैटाबॉलिक होता है. वो मैं एक अलग वीडियो में करूंगा कि क्या फास्ट कार्डियो इफेक्टिव होता है या नहीं होता है. आई विल शो यू अ वे टू डू दैट. बट दिस डजंट मैटर व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू. बस ये आप ध्यान रखना कि 90 मिनट पहले आप खाना खाओ. सो जब भी आप खाना खा रहे हो उसके 90 मिनट के बाद ये एक्सरसाइजेस करो, ताकि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, आपका स्टमक एम्प्टी हो एंड यू कैन रियली फील योर एब्स. सो दीज आर द 6 होम एब एक्सरसाइजेस. राइट पीपल? यस यस.